हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर छवि गर्ग। आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग बताऊँगी, उसके बाद मैं आपको एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ लाइट थ्रो करूँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग बताने से पहले मैं एक बात और आपको क्लियर कर देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं है जो बिजनेस में एप्लीकेशन होती है, ये सुबह से लेके शाम तक हमारी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल डीलिंग्स में काफ़ी बार जो है हम देखते हैं कि हम दूसरे पर्सन के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठते सबसे पहले क्या करते हैं, आप न्यूज़पेपर लेते हैं और मंथ एंड में आप उस न्यूज़पेपर का पेमेंट जो है वेंडर ऑफ न्यूज़पेपर को कर देते हैं। इट मीन्स सुबह उठते ही जैसे आपने न्यूज़पेपर लिया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट किससे हुआ, वेंडर ऑफ न्यूज़पेपर से। फिर क्या होता है कि जो मिल्कमैन होता है वो आपके घर के बाहर मिल्क की बॉटल रख के चला जाता है और आप उस मिल्क को यूज़ कर लेते हैं और मंथ के एंड में उस मिल्कमैन को पेमेंट कर देते हैं। तो सेकेंड बार आपका कॉन्ट्रैक्ट किससे हुआ, मिल्क मैन से हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब आप अपनी डेली रूटीन में, डेली डीलिंग्स में भी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में कोई भी फ़र्क नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बोथ वर्ड्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। और इसीलिए कहा जाता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इजी तरीके से समझाती हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट होते हैं विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इस डेफिनेशन से क्या पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के दो एलिमेंट हुए, पहला कि यहाँ पे एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा दैट एग्रीमेंट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो दो टर्म कौन से हुए बच्चों कॉन्ट्रैक्ट के, पहला एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा वो एग्रीमेंट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो सबसे पहले मैं आपको एग्रीमेंट का मीनिंग क्लियर करती हूँ। एग्रीमेंट में भी अगेन दो एलिमेंट होते हैं, वन इज ऑफर और सेकेंड इज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। ऑफर का मतलब है कि हमने कुछ काम करने की विलिंगनेस किसी दूसरे पार्टी को जो है एक्सप्रेस करी, और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि दूसरे पार्टी ने उस विलिंगनेस को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ तो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। फॉर एग्जाम्पल, एक्स और वाई दो पर्सन है। एक्स कहता है वाई से कि क्या आप मेरी कार को 1,00,000 रुपये में खरीदोगे। वाई कहता है हाँ, मैं आपकी कार को 1,00,000 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे माना जाएगा कि ऑफर भी हुआ और एक्सेप्टेंस भी हुआ। एक्स ने अपनी कार बेचने का ऑफर रखा और वाई ने उसकी कार को खरीदने के लिए अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। सो दीज टू थिंग्स आर कॉल्ड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे दो पार्टी थी, एक एक्स था और दूसरा वाई। तो एक्स ने ऑफर किया था सबसे पहले कार बेचने का, तो उसको हम बोलेंगे ऑफरर या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉमिसर। वाई ने क्या किया था, वाई ने उसकी कार खरीदने के लिए एक्सेप्टेंस दे दी थी, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉमिसी। तो इट मीन्स ऑफर को क्या बोलते हैं, जो बंदा ऑफर कर रहा है प्रॉमिसर, और जो बंदा उसे एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम बोलते हैं प्रॉमिसी। तो अगर ऑफर भी है और उस ऑफर की एक्सेप्टेंस भी है तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट बच्चों आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट के अगेन दो एलिमेंट थे, एक एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि एक ऑफर होना चाहिए, दूसरा एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट तो हमें क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट है एनफोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट। एनफोर्सिबिलिटी का मतलब है कि हमारी इंटेंशन अगर लीगल बाउंडनेस क्रिएट करने की, इट मींस अगर दो पार्टी हैं, एक ऑफरर है दूसरा प्रॉमिसी है, अगर कोई भी पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अगर दूसरी पार्टी कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है, तो हमारी इंटेंशन क्या है कि वो एनफोर्सेबल है। अगर हमारी इंटेंशन ऐसी है कि भाई हमें कोर्ट में केस नहीं लेके जाना, ये तो हमारा आपसी मामला है, तो इट मींस वहां पे एनफोर्सेबिलिटी नहीं होगी।
मैं आपको इसको एक बहुत इजी से और बहुत इंटरेस्टिंग के एग्जांपल से बताती हूँ. फॉर एग्जांपल, एक टॉपर बच्चा है, आज उसने क्लास में टॉप किया, वो बहुत खुश है. उसने अपनी फ्रेंड को बोला कि शाम को मेरे जो है डिनर पार्टी में आ जाना. वो कहती है ठीक है, मैं आपकी डिनर पार्टी में आ जाऊँगी. अब वो बहुत सारे पिज़्ज़ा, बर्गर, केक एंड कोल्ड ड्रिंक, मतलब बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है. अब वो वेट करता रहता है, अब उसकी फ्रेंड आती नहीं है, अब उसका टाइम भी वेस्ट होता है, उसके सारे पैसे भी वेस्ट होते हैं. तो आप बताइए, अब उसकी फ्रेंड नहीं आई तो क्या वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाएगा? क्लियरली नहीं जाएगा वो, क्योंकि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि अगर उसका फ्रेंड नहीं आता है उसकी डिनर पार्टी में तो वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाएगा. इट मीन्स यहाँ पे जो इस केस में था टॉपर बच्चे के साथ, उसका वो जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट ही होगा, क्योंकि उसमें एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ नहीं थी. तो ये चीज़ क्लियर हो गई. कॉन्ट्रैक्ट तभी एग्रीमेंट, वो ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जिसमें एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ होती है. आपको क्लियर हो गया क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो आप सबसे पहले ये डिफाइन करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के दो एलिमेंट होते हैं. एग्रीमेंट किसे कहते हैं और एनफोर्सिबिलिटी किसे कहते हैं. फिर आप बताएंगे एग्रीमेंट के दो एलिमेंट होते हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस. और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बिल्कुल वैसे ही आप भी एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि एग्जाम्पल देने से ही आप जो है इसके जो है कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं. जब आप एग्रीमेंट को एक्सप्लेन करेंगे तब भी एग्जाम्पल दीजिएगा, जब आप ऑफर और एक्सेप्टेंस को करेंगे तब भी आप जो है एग्जाम्पल दीजिएगा. तो आई थिंक कि अब आपको कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है. अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे एसेंशियल होते हैं. जब हम उन सब एसेंशियल को पूरा कर देते हैं तभी एक कंप्लीट सेंस में वो जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आता है. तो वो एसेंशियल क्या है मैं आपको वन बाय वन करके सारे बताती हूँ. सबसे पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ये मैंने बिल्कुल अभी अभी बताया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले उसमें ऑफर भी होना चाहिए, उसमें एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए. एक बंदा ऑफर करता है, दूसरा बंदा उस ऑफर को एज सच जो है एक्सेप्ट कर लेता है, तभी वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कहलाता है. नेक्स्ट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ये भी मैंने अभी आपको बताया है. इट मीन्स जो भी हमारे डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन होते हैं, जो भी हमारे सोशल ऑब्लिगेशन होते हैं, वहाँ पे हमारी इंटेंशन ये नहीं होती कि वी विल क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. तो जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं, जो आपके सोशल एग्रीमेंट होते हैं, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट या हम कह सकते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते हैं. नेक्स्ट है हमारा लॉफुल कंसिड्रेशन. लॉफुल कंसिड्रेशन का मतलब है कि जो भी हम दे रहे हैं दूसरी पार्टी को या दूसरी पार्टी से ले रहे हैं वो जो है लॉफुल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए वाई ने एक्स के घर में रॉबरी डाली और वो उसका सामान लेके भाग गया, लेकिन वो पकड़ा गया. अब एक्स ने उसके अंगेंस्ट कोर्ट में केस कर दिया. अब वाई ने उसे कहा ऐसा करो मैं तुम्हारी सारी की सारी चीज़ें वापस कर देता हूँ, तुम मेरे अंगेंस्ट से जो है केस हटा लो. एक्स कहता है, उसके मन में भी लालच आ जाता है कि ठीक है मैं इसके अंगेंस्ट से केस हटा लेता हूँ और ये मेरे को जितनी भी चुराई हुई चीज़ें सब वापस कर देगा. तो इस केस में माना जाएगा अगर एक्स ने उसके अंगेंस्ट केस हटाया तो वो लॉफुल कंसिड्रेशन नहीं था, क्योंकि चोर को सज़ा मिलनी ही चाहिए ये हमारा लॉ कहता है. अगर आपको चोर को उसकी सज़ा से बचाते हैं तो वो लॉफुल कंसिड्रेशन नहीं है. अब नेक्स्ट आता है हमारा पार्टी टू बी कॉम्पिटेंट. हमारे यहाँ पे तीन पार्टीज होती हैं जो कॉम्पिटेंसी की डेफिनेशन में आती है. फर्स्ट, पार्टीज जो है मेजर होनी चाहिए. मेजर का मतलब होता है कि 18 ईयर की एज वो कंप्लीट कर लें. सेकेंड है वो साउंड माइंड की होनी चाहिए. साउंड माइंड मीन्स वो ल्यूनेटिक्स नहीं होनी चाहिए, वो इडियट नहीं होनी चाहिए और वो ड्रंकन पर्सन नहीं होनी चाहिए. इट मीन्स वो उस कॉन्ट्रैक्ट करते समय इंटॉक्सिकेशन की स्टेज में नहीं होनी चाहिए. और थर्ड है कि लॉ ने किसी भी पर्सन को डिस्क्वालीफाइड ना कर रखा हो. तो पार्टी टू बी कॉम्पिटेंट में आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, 18 साल की एज हो जानी चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और दोज पर्सन
should not be disqualified by law. अब नेक्स्ट आता है फ्री कंसेंट. देखिए इसमें दो वर्ड है, आपको बहुत ध्यान देना है, एक कंसेंट है और दूसरा फ्री भी है. तो जब हम ऑफर की एक्सेप्टेंस देते हैं, हम कंसेंट देते हैं, कंसेंट तो दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो भी जो है आपकी फ्री होनी चाहिए, बिना किसी दबाव के होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एक फादर अपनी बेटी को कहते हैं कि आप मिस्टर एक्स से जो है शादी कर लो, अगर तुम शादी नहीं करोगी, शादी के लिए अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दोगी, तो मैं अभी के अभी सुसाइड कर लेता हूँ. तो जो बेटी थी उसने इस इन्फ्लुएंस में आके शादी के लिए हाँ कर दी. तो यहाँ पे माना जाएगा कि बेटी ने कंसेंट तो दी, लेकिन वो फ्री नहीं थी, क्योंकि शी वॉज अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फादर. फादर ने यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ किया था, और इसीलिए बेटी ने जो कंसेंट दी वो बिल्कुल भी फ्री नहीं थी. तो हमारी कंसेंट होनी चाहिए, लेकिन वो साथ के साथ फ्री एंड जेन्युइन भी होनी चाहिए. दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट. लॉफुल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? कि हमें किसी भी इल्लीगल ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए. मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ तो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू. फॉर एग्जाम्पल, एक्स के पास एक खाली मकान पड़ा है, अब वो उसे एक प्रोस्टिट्यूट को किराए पे दे देता है, और उसको मालूम है कि प्रोस्टिट्यूट उसे इमोरल पर्पस के लिए यूज़ करेगी. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, वो लॉफुल नहीं है, वो इल्लीगल है, क्योंकि वहाँ पे प्रोस्टिट्यूट उस घर का यूज़ अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं कर रही है, बल्कि वो उसमें रहेगी इमोरल एक्ट करने के लिए. तो इट मीन्स इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा. नेक्स्ट है हमारा एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड. कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिसे लॉ शुरू से ही वॉइड डिक्लेयर करता है. वॉइड डिक्लेयर करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? अगर आप किसी को किसी की मर्जी से शादी नहीं करने दे रहे हैं, किसी के बिजनेस में इंटरफेयर कर रहे हैं, किसी लीगल प्रोसीडिंग्स में आप इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इस तरह के एग्रीमेंट हमेशा डिक्लेयर किए जाते हैं वॉइड. तो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जरूरी है कि वो एग्रीमेंट शुड नॉट बी डिक्लेयर वॉइड, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आएंगे. नेक्स्ट है आपका सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. इसमें दो चीज़ें मिली हुई हैं, फर्स्ट सर्टेनिटी होना चाहिए, सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए. सर्टेनिटी एज ए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सर्टेनिटी का मतलब है कि जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें कोई भी वेग टर्म नहीं होनी चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए कि ऑफरर क्या कहना चाह रहा है और एक्सेप्टर ने क्या चीज़ एक्सेप्ट की है. फॉर एग्जाम्पल, एक्स जो है एक ऑयल डीलर है, ठीक है, अब वो कहता है वाई से कि क्या आप मेरे कुछ पीपे 10,000 में खरीद लोगे. अब जो दूसरी पार्टी वाई होती है वो भी कहती है ठीक है, मैं आपके कुछ पीपे 10,000 में खरीद लूंगा. अब यहाँ पे जो कुछ वर्ड है, कुछ वर्ड इज वेरी अनसर्टेन, इट इज नॉट लीडिंग टू एनी सर्टेन मीनिंग. हो सकता है एक्स कहना चाह रहा हो कि आप मेरे 10 पीपे खरीदेंगे और वाई समझ रहा हो कि वो 15 पीपे देने की बात कर रहा है. तो इट मीन्स यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है. अब आपका नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसकी भी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने किसी स्टूडेंट को कहती हूँ कि मैं तुम्हें 10,000 दूंगी अगर तुम दो पैरेलल लाइन को मिला दोगे. बच्चा भी कहता है मैम मुझे 10,000 दे देना, मैं दो पैरेलल लाइन को मिला दूंगा. मुझको भी पता है, उस बच्चे को भी पता है कि दो पैरेलल लाइन कभी आपस में नहीं मिल सकती है. तो इट मीन्स यहाँ पे परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है. जब आपका परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक तांत्रिक किसी को कहता है कि मैं इस मुर्दे को जिला दूंगा, आप मुझे 1,00,000 रुपये दे देना. सबको पता है मुर्दा कभी भी जिंदा हो ही नहीं सकता. तो इट मीन्स यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, तो वो कभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा. तो आपको क्लियर हो गया वॉट इज द मीनिंग ऑफ सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. एंड द लास्ट इज देयर शुड बी नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अपनी कार 1,00,000 रुपये में बेचने का ऑफर दिया, आपने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी की मुझे ज़रूरत नहीं थी.
लेकिन कुछ हमारी डीलिंग्स ऐसी होती हैं जहां पर हमारे को लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करना जरूरी होता है. फॉर एग्जांपल, मैं अपना मकान किसी को बेच रही हूँ, तो बेचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं उस मकान की रजिस्ट्री कराऊँ. तो रजिस्ट्री कराना क्या हो गया, एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ है विच इज़ प्रिस्क्राइब बाय लॉ फॉर एनी टाइप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो अगर कोई लॉ ने लीगल फॉर्मेलिटी प्रिस्क्राइब करी है तो वो लीगल फॉर्मेलिटी जरूर पूरी होनी चाहिए, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आता है. तो आई थिंक कि आपको सारे पॉइंट बहुत क्लियर हो गए हैं. एक रिविजनरी फॉर्म में मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल होते हैं एक तरीके से गीता के सार की तरह होते हैं. जैसे गीता में कहा होता है कि आप फल की इच्छा मत करो, बस अपना कर्म करते चले जाओ, उसी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल होते हैं, ये अगर पूरे हो जाते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कराता है. और इन्हीं सब एसेंशियल से कॉन्ट्रैक्ट के आगे के टॉपिक रिलेट करते हैं. अगर आपको ये एसेंशियल बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर है तो आगे के टॉपिक क्लियर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. तो मैं एक दोबारा से छोटा सा रिविजन करा रही हूँ. वॉट आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. सेकेंड क्या है, देयर शुड बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, क्लियर. और थर्ड पॉइंट क्या है आपका, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए. नेक्स्ट, पार्टीज जो हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए. नेक्स्ट है आपका फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट होनी चाहिए. आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. एग्रीमेंट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड. एंड सेकेंड लास्ट क्या है कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए. और लास्ट है हमारा, अगर लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी प्रिस्क्राइब कर रखी है तो हमें वो लीगल फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी चाहिए, तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आपको कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है और वॉट आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है. आप जितने एग्जाम्पल अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए देंगे उतना ही अच्छा आपके एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल बनेगी. तो आपको बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा कॉन्ट्रैक्ट को. अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि तभी आपको आगे की कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है वो मिलेंगी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड माई PPT प्रेजेंटेशन. थैंक यू.